ब्लड प्रेशर, मतलब हम लोग का बॉडी में ब्लड कितने स्पीड से रनिंग करता है, उसके बारे में बात करेंगे। ब्लड एक पाइप की भांति बहती है, इसका कुछ अपना प्रेशर होता है। इसका प्रेशर को अगर हम लात से गांध देते हैं तो धीरे धीरे पाइप फूलने लगता है और फट जाता है। सेम एज हम लोग का भी बॉडी में अगर नस को या वेन को कहीं दबा देंगे तो धीरे धीरे फूलने लगेगा और फटने का भी चांसेस ज्यादा होता है। इसी प्रकार हार्ट हम लोग के बॉडी में चारों ओर ब्लड को भेजने का काम करता है, इसे ब्लड प्रेशर या बीपी के नाम से जाना जाता है। धमनी जो कि शुद्ध ब्लड को 120 mm की स्पीड से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, जिसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये ब्लड आगे की ओर बढ़ती है और ये कैपिलरी से जुड़ी होती है, और कैपिलरी एक धागे के समान पतली नस होती है, मतलब धमनी का ही भाग होता है। ये ब्लड कार्य पूरा होने के बाद फिर पुनः सिरा यानी वेन से वापस हार्ट की ओर आना स्टार्ट कर देती है। इस प्रेशर को हम डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इस प्रकार हम लोग का बॉडी का एवरेज नॉर्मल बीपी 120/80 होती है, जो कि एक नॉर्मल रेंज है। उसके बाद सिस्टोलिक प्रेशर 120 होती है, जहां की डिस्टोलिक प्रेशर 80 mm होती है।